फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रेन पर आधारित कुछ प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आरआरबी सीटेट एसएससी और पुलिस के एग्ज़ाम्स और सभी एग्ज़ाम्स जिनमें ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन को कम समय में करने की कोशिश करेंगे, मतलब जो भी इनका शॉर्ट मेथड है और जिससे एक्यूरेसी के साथ हम क्वेश्चन को कर दें उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो लेक्चर होगा ये मॉडरेट लेवल का होगा, मतलब एवरेज लेवल का होगा। जिन लोगों को थोड़े टफ़ लेवल के क्वेश्चन करने हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जिन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है तो वो इसे आसानी से सीख लें। यहाँ से फ्रेंड्स आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन रहा, तो पहले क्वेश्चन फ्रेंड्स करने से पहले यहाँ पर फॉर्मूले देख लेते हैं। दूरी मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा दूरी बटे समय। और इसी से फ्रेंड्स क्या है, अगर हमें समय निकालना होगा तो समय इधर पहुंच जाएगा और चाल यहां से यहां पे आ जाएगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, समय के लिए क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, और दूरी निकालनी होगी तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, दूरी यहीं पर रहेगी और समय इधर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर यही एक फार्मूला याद रखना है, जिस किसी को भी याद ना हो तो इसे याद कर ले। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स एक ये होगी कि मीटर पर सेकंड को अगर आपको किलोमीटर पर घंटे में अगर बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18 बटे 5 से गुणा करनी पड़ेगी। और एक किलोमीटर पर घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो आपको 5 बटे 18 से गुणा करनी पड़ेगी। इस चीज़ में फ्रेंड्स थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती होगी कि 18 बटे 5 से गुणा करें या 5 बटे 18 से करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ समझ लें कि अगर कोई इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। बाकी का ये समझ लें कि अगर कोई 5 मीटर पर सेकंड से कोई चीज़ जा रही है और एक 5 किलोमीटर पर घंटे से जा रही है तो फ्रेंड्स ये वाली चीज़ तेज़ जा रही होगी। ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में मैग्नीट्यूड कम ही होता है लेकिन वो चाल ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अब अगर इसे फ्रेंड्स इससे हम क्या समझेंगे, इससे हम ये समझेंगे कि अगर हमारा किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकेंड में आना है तो इसका मतलब है कि किलोमीटर से मीटर में आओगे तो ये किलोमीटर से मीटर में छोटा संख्या होगी, मतलब यहाँ पे छोटी यूनिट हो गई। ठीक है, यहाँ पे घंटा होगा, सेकंड आ जाएंगे तब भी छोटा होगा। तो जब छोटी यूनिट हो जाएगी तो हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, छोटी चीज़ से मल्टीप्लाई करनी होगी, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करनी होगी क्योंकि ये वैल्यू दशमलव में आएगी। और हमें मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में जाना है, मतलब मीटर से किलोमीटर में जाना है तो हमें क्या करना होगा, बड़े से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 18/5 से करनी होगी जो कि वैल्यू 3 समथिंग के बराबर है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पहला कि ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। 120 मीटर लंबी ट्रेन है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकेंड का समय लगाती है तो ट्रेन की चाल क्या होगी। तो फ्रेंड्स पहला वाला फॉर्मूला लग जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी बटे समय, और दूरी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई क्योंकि ट्रेन की चाल निकालनी है तो 120, और फ्रेंड्स समय क्या हो जाएगा, 10 सेकंड। ठीक है, तो 12 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। फ्रेंड्स ये 120 क्या है, मीटर में है, और ये समय क्या है, सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें यूनिट का याद रखना कि यूनिट को हमें चेंज करना है, क्या करना है। ठीक है, करना क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि अगर यहाँ सेकंड में या मीटर में दिया है तो हमें मीटर और सेकंड में चेंज करना है। कोई किलोमीटर में है तो उसे मीटर में कर लिया, मिनट या घंटे में है तो सेकंड में कर लिया, और अगर घंटे में दिया हो तो सेकंड से घंटे में चलेगा। ठीक है, इतना करना होगा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दबाजी में इसमें गलती कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से अगर सीखना चाहते हैं तो खुद से एक बार करें क्वेश्चन को, उसके बाद मैं बताता हूँ। चलिए फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। क्वेश्चन है 150 मीटर लंबी ट्रेन की चाल है वो 50 किलोमीटर पर घंटे है और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो फ्रेंड्स हमने देखा यहाँ पे सेकंड में निकालना है हमें, तो हमें मीटर और सेकंड में ही चेंज करना होगा। यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर घंटे में है तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में करना होगा। तो मतलब ये मैग्नीट्यूड 50 है तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो कम का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स अब किलोमीटर से मीटर में आ जाएंगे, घंटे से क्या होगा, घंटे से यहाँ पे सेकंड में आ जाएंगे, तो हमें कम करना है तो 18/5 से गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम 5/18 से करेंगे। ठीक है, 5/18 से करेंगे, ये कम हो जाएगा।
ये हमारा मीटर पर सेकंड में आ गया। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स क्या है, समय हमें निकालना है। समय का फॉर्मूला देखा था, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल होगी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, दूरी यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पार करने का समय दिया गया है, हमें निकालना है, सॉरी प्लेटफॉर्म को पार करने का समय निकालना है। तो ट्रेन क्या होगी, ये मान लो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये एक हमारी ट्रेन जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रेन जब जा रही है तो क्या है कि ट्रेन इसे कब पार करेगी, पहले तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी, ठीक है। इसके बाद में ट्रेन ट्रेन जब यहाँ पे इस तरीके से पहुँच जाएगी तो क्या होगा फ्रेंड्स, तब ये प्लेटफॉर्म पार हो जाएगा। मतलब ट्रेन को यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये तो हो जाएगी प्लेटफॉर्म की और ये क्या हो जाएगी ट्रेन की। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने की बात आए तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों की दूरी को हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूरी है वो क्या होगी, प्लेटफॉर्म हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी चीज़ बस है याद रखना है। सबसे पहला हमें ध्यान रखना है कि यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, दूसरा ये फंडा याद रखना, आगे भी और चीज़ें आएंगी वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो समय निकालना है फ्रेंड्स, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 150 है और यहाँ पे कितनी है, 600 है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या है, चाल अपॉन में करनी है, तो चाल क्या है 50 × 5 अपॉन में क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स, 150 और 60 क्या हो जाएगा, 750 हो जाएगा। अपॉन में क्या है, ये 18 है, ये ऊपर पहुँच जाएंगे, ठीक है, पलट जाएगी ये जब मल्टीप्लाई में लाएंगे, तो यहाँ अपॉन में क्या 250 आ जाएगा। इसे कट कर देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 × 18 और यहाँ पे आ जाएगा 18 × 54 सेकेंड, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी है, अगर आप इसे मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं करेंगे तो यहाँ पे गलती हो सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसे हम थोड़ा शॉर्ट मेथड से कर लेंगे, बहुत आसानी से आप इसे कम समय में निकाल देंगे, ठीक है। क्या है फ्रेंड्स क्वेश्चन में, एक ट्रेन है, एक खंभे को पार करने में 15 सेकेंड लेती है, जैसे एक खंभा ऐसे पार करने में 15 सेकेंड, एक प्लेटफॉर्म को पार करने में क्या है कि फ्रेंड्स ये लेती है 25 सेकेंड। तो जाहिर सी बात है खंभे को पार करना होगा तो ट्रेन को क्या करना होगा, खुद की लंबाई को ही पार करना होगा। जैसे यहाँ से चल के आएगी, यहाँ से एंटर करना शुरू करेगी, यहाँ से ट्रेन इसको पार करने के लिए, तो जब यहाँ पे ऐसे पहुँच जाएगी, ठीक है, तो मतलब खंभा पार हो जाएगा, तो मतलब यही दूरी करनी होगी। लेकिन प्लेटफॉर्म को क्या करना होगा, तो ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की दोनों की क्या होगी, दूरी तय करनी पड़ेगी। ये बात लास्ट क्वेश्चन में समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि हमें ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है और ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की बेसिकली लंबाई ही निकालनी है क्योंकि यहाँ ऑप्शन में ट्रेन की लंबाई दी है। लंबाई निकालने के लिए हमें चाल की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, लंबाई निकालनी होगी तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है। अब फ्रेंड्स दूरी क्या है, दूरी तो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म कितना है 100 मीटर लंबा है और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ट्रेन, तब कितना 25 सेकंड का समय लग रहा है और यहाँ पे 15 सेकंड का लग रहा है जब पोल को पार कर रही है। तो फ्रेंड्स इस केस में जब ट्रेन की हम लंबाई निकालेंगे, ट्रेन की लंबाई, तो यहाँ पे एक ट्रेन की लंबाई, सॉरी ट्रेन की चाल, ठीक है, जब चाल ट्रेन की निकालेंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा, ट्रेन की चाल निकालने के लिए फॉर्मूला दूरी बटे समय, दूरी हम यहाँ पे पुल की दूरी रख लेंगे, पुल को पार करती है, और समय में फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये समय जो पोल को पार करने का और ये समय है ये मतलब प्लेटफॉर्म को पार करने का, इनका अंतर रखा करेंगे। तो 25 में से 15 जाएंगे, 10 बचेंगे और इन्हें कट कर देंगे, तो ये 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी ट्रेन की चाल, ठीक है, बात आपको समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड्स यहीं पे चाल रखते हैं 10, और फ्रेंड्स जो समय होगा, ट्रेन की हमें लंबाई निकालनी है, दूरी का मतलब यहाँ पे ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी या ट्रेन की लंबाई। तो फ्रेंड्स ट्रेन की लंबाई निकालनी है तो फ्रेंड्स समय हमें यहाँ पे 15 सेकेंड से मल्टीप्लाई करनी होगी जो पोल को पार करता है, क्योंकि पोल को ही पार करने में ट्रेन को खुद की ही दूरी तय करनी पड़ेगी, इसलिए 15 सेकेंड रखेंगे ना कि 25 रखेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, 150 हमारा आ जाएगा मीटर में, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्रेंड्स यहीं पे आपको क्या है कि अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी होती, ठीक है, तो यहाँ पे 15 नहीं रखते, ठीक है, ट्रेन की निकालनी है तो हमने 15 रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 130 मीटर लंबी ट्रेन को एक पुल पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। पुल की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है। अब पुल की लंबाई हमें इसमें ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम यूनिट देख लें, मीटर में दिया है, ये किलोमीटर में दिया है, ठीक है। किलोमीटर से मीटर में आएंगे मतलब कम हो जाएगा मैग्नीट्यूड, तो 45 कम कैसे होगा, जब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इससे अगर कट करना चाहोगे तो 9 से कट कर दो, 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45, तो 25/2 आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। चल रही है 130 मीटर लंबी ट्रेन है, इसे पुल पार करना है, तो समय कितना लग रहा है, 30 सेकंड। पुल की लंबाई ज्ञात करो, तो पुल की लंबाई होगी, तो पुल की लंबाई किस में, दूरी ही होगी एक तरीके की, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय। तो पुल को पार करने में समय दे रखा है, इसीलिए हमने पुल की लंबाई ली है, ठीक है। तो ये 30 सेकंड हो जाएगा, चाल कितनी है, 25/2 है, और यहाँ पे दूरी फ्रेंड्स जो तय करी जाएगी, ठीक है, दूरी, तो पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ठीक है, ट्रेन की लंबाई, ये चीज़ थोड़ी सी समझने की कोशिश करना, क्योंकि पुल को पार किया जाएगा तो ट्रेन खुद की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को पार करेगी, ठीक है, तो ये दूरी ऐड हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात आपको दो क्वेश्चनों में बताइए तो समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रेन की लंबाई तो 130 दे रखी है, और हम ऐसा मान लेते हैं कि एक्स है वो पुल की लंबाई है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या है, इस 2 से इस 30 को काट देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 और 5 की गुणा करेंगे 75, 7 आपका कैरी आएगा, और 15 × 2 = 30 और 7 = 37, और यहाँ पे 130 प्लस एक्स। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखना, 175 ही आपका ऑप्शन में मिल सकता है, यहाँ पे नहीं है, तो आप जल्दबाजी में टिक मत कर देना, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 375 में से 130 जाएंगे तो फ्रेंड्स कितना बचेगा, 245 मीटर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी चाल है 62 किलोमीटर पर घंटा और 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल है, विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत को आपको ध्यान रखना है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है तो दोनों एक दूसरे को 18 सेकंड में पार करती हैं, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये समझना है कि ट्रेन जब एक ही दिशा में जा रही होंगी और ट्रेन जब विपरीत दिशा में जा रही होंगी तो क्या करना होगा, जो चाल निकालनी होगी, तो फ्रेंड्स विपरीत दिशा में होंगी तो ये माइनस कर दी जाएगी, मतलब बड़े में से छोटी, अगर विपरीत दिशा में है, ठीक है, विपरीत दिशा में है तो प्लस कर दी जाएगी, और एक ही दिशा में है तो माइनस, ठीक है। क्यों कर देंगे, एक चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करें, आपने कई बार देखा होगा कि आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे और आपकी ट्रेन चल दी होगी, इधर को चल दी है, तब तक पता चला कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है और इधर की भी ट्रेन ऐसे चल दी, तो आपको पता ही नहीं चलता होगा कि ये ट्रेन क्या है, ये भी चल रही है या हमारी ट्रेन चल रही है, ये लगेगा ट्रेन रुकी हुई है, ठीक है, ऐसे चल रही है और इधर क्या है, ये भी चल रही है, तो हमें क्या है, दोनों एक दिशा में चल रही है फ्रेंड्स। तो जो इसकी चाल होगी, जैसे 10 इसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, इसकी भी 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये माइनस हो जाती है, 10 - 10 और क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, तो एक ही दिशा में चलते हैं तो माइनस हो जाता है, विपरीत दिशा में प्लस हो जाता है। विपरीत दिशा में आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, इधर से हमारी ट्रेन जा रही, इधर से जब क्रॉस करती है तो एकदम ऐसा लगता है बहुत तेज़ ट्रेन जा रही थी, ठीक है, यहाँ से आप याद कर लेंगे इसे, तो यहाँ पर ये चीज़ देख लेंगे। तो हमें क्या है फ्रेंड्स, दो ट्रेनें हैं जो विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो इनकी चाल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो चाल ऐड होके क्या 201 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी, लेकिन यहाँ आंसर मीटर में दिया तो हमें मीटर पर सेकंड में करना है, मीटर पर सेकंड में मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा, इसे कट कर दो, कट कर सकते हो या फिर इस तरीके से ही रखो, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ पे ट्रेन है विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो ट्रेन को पार करने में एक दूसरे को 18 सेकंड का समय लगता है। तो फ्रेंड्स जब हम फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो जो समय यहाँ पे है ये दोनों को पार करने का है 18, तो दोनों को पार करने का है तो लंबाई भी दोनों की ली जाएगी, तो लंबाई एक की कितनी है 250, दूसरे की एक्स मान लेते हैं, और चाल कहाँ, यहाँ पर क्या है 102 गुणा 5/18,
देखो अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है, 18 से इस 18 को कट कर देंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 510 आ जाएगा। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 250 इधर आ जाएंगे माइनस में, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, 260 मीटर आ जाएगी। ठीक है, फिर से एक बार समझ लें। सबसे पहले हमें क्या हमने क्या किया कि एक ही विपरीत दिशा में जा रही थी ट्रेनें ये, इसलिए इनकी चाल को ऐड कर दिया यहाँ पे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, दूरी बराबर चाल गुणा समय फॉर्मूला लगाया, समय दोनों को पार करने का था इसलिए हमने इधर दूरी ली, वो दोनों ट्रेन की दूरी ली और ये चाल से मल्टीप्लाई कर दी। एक ट्रेन की पहली की क्या थी 100, फर्स्ट की 250 थी, सेकंड की हमने एक्स ले ली और सेकंड की यहाँ पे लंबाई निकाल दी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये पांच क्वेश्चन डिस्कस किए, यहाँ पे आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।